होगा, पुत्र के वृद्धि होगा। तब जे जाय कहती तो अपना मणि बने रानी मानलखिन, हमारा तो धन बहुत अपार है, हमारा को संतान पुत्र न है, जे हे अनंत भगवान हमारा एक पुत्र देवा, हम तोर पूजा करब। अर्धशतांग लोग के तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए, अभी मेरे घर के बगल में आनंद पूजा की कथा हो रहा है, तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, हम भी किए हैं पूजा और क्या बोलते हैं और कथा सुनाएंगे, तो आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कथा सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। क्या नाम है? ऐसे सुनकर शिला बोला सिंगार जिसका ऐसी बोली की व्रत, हमने अनंत भगवान की पूजा करते हैं। शिला बोली है यह उत्तम व्रत करूंगी, मैं भी उत्तम व्रत करूंगी दीदी। और क्या व्रत किसी प्रकार के है, जिसमें क्या दान होता है, कौन देवता पूजे जाते हैं मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वो स्त्री बोली कि उत्तम के प्रथम स्थान एक शेर लेकर के मलपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को दे दे और आधा स्वयं भोजन करें। फिर कृपांगत न करते हुए शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देवे और यह व्रत नदी के तीर पर करें और भगवान हरि की कथा सुनो। शेषनाग के बना करके, जिसमें शेषनाग बना करके कुश के जो धैर्य है, शेषनाग को कुश के बना करके बांस के पत्ता में रख करके पूजा करें और धूप आदि और अनेक प्रकार के नैवेद्य फल फूल चढ़ा दें, वस्त्र चढ़ा दें और मिष्ठान सहित रखें। उनके आगे मजबूत सूत के 14 गट्ठा दे करके, जिसमें 14 गो गट्ठा दे रहे हैं, देख ले तुम्हें 14 गो दे लो, 14 गो गट्ठा दे करके पूजन करें। अध्यांग के रंग लोकेश महाप्रभा आत्मा स्त्री लोग बाएं हाथ में बांधे और जेंट्स लोग मर्द जो है से दाहिना हाथ में बांधे। ऐसे कह के वो समझा दल कि स्त्री अपन सिरा अपन चल गलन, जो है एगो डोरा ले लेलन, कोनो माई बहन से मांगे हाथ में बढ़वा लेलन ब्राह्मण से। मंत्र प्रभा के कर मंत्र है, ओम अनंत संसार महासमुद्र मगन समुद्र वासुदेव अनंत सूत्रो नमो नमस्ते। हाथ में बांधे का मंत्र यह मंत्र है, एक कौन बावन जने छते मंत्र के बांधे के जय। तब वो बांध के चल तो गिर ना, जब बांध के चल गेलन राजा से तो बनवा लेलन। जब एक दिन स्नान करे गेलन, जब स्नान करे गेलन तो की कलन अनंत के निकाल के टांग के लह से आ चल गेलन स्नान करे। हुनकर पति के रानी के ना देख ले, पति हुनकर कहलकैन जा है अगरबत्ती वाह है द्रावत ना, तो पति कहलकैन देख लेलकैन जारे शिला हमारे पास अनेक धन है, अनेक प्रकार का, मेरे पास सोना है, सुवर्ण है, सोना है मेरे पास, सुवर्ण है, मोती है, हीरा है, ये सब तुमने सीधा नहीं धारण किया है और तुमने ये डोरा धारण कर लिया है यह लेके। और राजा की कलखिन डोरा को उठा के जल्दी से की कलखिन चूल्हा जलित में आग में फेंक दिलखिन, जरा दिलखिन ओकरा सीधा हाहाकार करके देखलखिन जो हमारा डोरा तो जरा जनम जाए से महाराजा हकार करके दौड़े तैलखिन और जल्दी से डोरा को अनंत को उठा के पुरनका अनंत उठा के सिया हुनकर जैसे सिला उठा के गाय के दूध में डाल देलखिन। तो रानी रतिन का दूध के गाय के कौन कमी, गाय के दूध में डाल देलखिन अनंत के, जे बच गेल आधा तो जरिए गेल हथिन आधा में डाल देलखिन। कृष्ण भगवान के पूरा जैसे क्रोधित हो गए, तो बाप रे हमार जैसे हमार रूप के जैसे हमार ये राजा जरा देलक धन के अंधा हो के, बस तखनिये की कलखिन ओकरा शरीर में तते तपमान देवे लगलखिन, तते तपमान देवे लगलखिन जे राजा व्याकुल हो गेलै। जल के द्वारा हुनका देवे देवे लगलै अंदर संत ज्वाला, जितना गाय रहे धन रहे हुनकर धीरे धीरे सब चोर हरण करके ले गेल सब हेरा फेरा। अनंत रूपे विजय बेनजस्व अनंत सूत्रो नमो नास्ते। और हाहाकार करते रानी आके डोरा के दूध में डाल देलखिन। राजा के वही बात में कहलखिन हाय राजा तू आपने क्या कर दिया ये बस लेके और दूध में तो डाल के दे दिलखिन। तखन से राजा के तो महाकष्ट हो गलन हुनकर, जैसे जेना धन आवे लगलन तहिना के चल गलन, हुनका देह में ज्वाला होय लगलन, गाँव समाज हुनका से बात न करन, कुटुम्ब से कलह होय लगलन, अनेक प्रकार के हुनका होय लगलन, पत्नी पर रहलखिन उमर जाके। तब कहलखिन हे शिला उतना पत्नी के फिर खोजै छथिन, हे शिला हमसे कोई गांव समाज हमसे बात नहीं करता, हम राजा थे, हमसे कोई गांव समाज बतियाता नहीं है, कुटुम्ब से कलह हो रहा है भाई बंधु से, मेरा गांव धन सब चोर ले गया,
इसका कारण क्या है? रानी कहलखिन हे राजा, आपने अनंत भगवान को अग्नि में जला दिया है, उसी के कारण यह मेरा उत्पन्न हुआ है। असमरणंत स्वरूपीता सुतरूपीता अनंता अस्वरूपी समाप्रभं। बस चुरा के रानी के नकारन, चुरा के महाजंगल में भगवान अनंत के खोज चल गलन राजा। बौआत बौआत महा महाजंगल में, महाजंगल में राजा चल गलन अनंत भगवान के खोजत खोजत। जब उगा खोजत जब बहुत दूर गलन, बहुत महाहकार जंगल में चल गलन, महारूपी जंगल में, तो वहाँ जाके देखे छथिन एगो आम के पेड़ महाचतरल है, ओमे अनेक प्रकार के फल लागल है, आम फरल है, में खाली कीड़ा लागल है, पिलुआ फरल है, कोई कागो पंछी आम के न खाए है। वही आम के प्रणाम करके पूछलखिन राजा, हे आम वृक्ष, आपने अनंत भगवान को देखा है? अब आम के वृक्ष कहलखिन, हम अनंत भगवान को नहीं देखा है। वही जगह से फिर राजा आगे मुहे चल गए, अनंत भगवान अनंत भगवान अनंत भगवान करे, खाली अनंत भगवान के खोजे तो जा दे। फिर आगे जब देखलखिन जाय जाय तो गाँव के देखलखिन बाछी बछड़ा समेत गाय पूरा बन में खाए के लिए बौआ रहा है, पूरा जंगले में घास में खड़ा है, ओकरा मुँह में वो खर न जा रहा है, खाए के लिए व्याकुल है। वही गाय से पूछलखिन जे हे गौ माता, आपने अनंत भगवान को देखा है? गाय माता कहलखिन जे नहीं, हम अनंत अनंत को नहीं देखा। फिर वही जगह से गाड़ी चल गया, जाय जाय देखलखिन गाड़ी तो गधा के गधर्व के देखलखिन, तो गधर्व से कहलखिन हे गधर्व, आपने अनंत भगवान को देखा है? तो गधा कहलखिन, गधर्व नाम है गधा के, तो गधर्व कहलखिन जे नहीं, हम अनंत भगवान को नहीं जानते हैं, हम जन्मे नहीं करते हैं। फिर वहां से फिर वन बाबे राजा अपन बौआई बहन महा फिर जंगल में गलत हाथी के देखलखिन जंगल में बौआई, वही हाथी के प्रणाम करलखिन हे हाथी महाराज, आपने अनंत भगवान को देखा है? हाथी कल के हम अनंत भगवान को नहीं जानते, हम अनंत भगवान को नहीं देखा। फिर जैसे चल गए अपन करैत करैत जाए लगला, फिर आगे गलखिन तो बीचे रास्ता पर सर्प महाराज रहती नानी पड़ल बैठल, हमेशा सर्प रहती रास्ते पर नानी देखे छथिन हर जगह। वही सर्प के रास्ता पर देखकर प्रणाम कलखिन हे सर्प महाराज, हे विषहर महाराज, आपने अनंत भगवान को देखा है? विषहर कलखिन हम अनंत भगवान को नहीं देखा है। अब हम कहा जाऊ, हमारा कोई ना अनंत भगवान हमारा मिल रहा है, राजा कह रहा था जो अनंत के जरा